नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज। से देखिए अब समाचार विस्तार से। सपा के प्रत्याशी व समर्थक गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, जिसके संबंध में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो चाहे किसी के पक्ष में दिया वो सुरक्षित रहे, जिससे आने वाले 13 मई को सही गिनती हो जाए और जिसके भी पक्ष में परिणाम जाए वो हमें स्वीकार है। उन्होंने बताया कि हर 8 घंटे में बदल बदल कर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, निगरानी हम इसलिए कर रहे हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिसके भी पक्ष में दिया है, वो सुरक्षित रहे और आने वाली 13 तारीख को उसकी सही गणना हो जाए और जिसके पक्ष में परिणाम जाए वो हम लोगों को स्वीकार है। हर 8 घंटे के बाद लोग चेंज हो जा रहे हैं और रात को भी लोग रह रहे हैं, दिन लगातार हमारी निगरानी चल रही है। नहीं, प्रशासन पे विश्वास की कोई बात नहीं है, विश्वास है, लेकिन हम सतर्क हैं, हम अपनी सतर्कता बनाए हुए हैं। इससे पहले भी बताया जा रहा है निगरानी लोग करते थे सर? हाँ, हमेशा करते हैं। जनता का जो जनादेश होता है तो हम जो आदेश है हमने स्वीकार किया उस चीज को। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिवार न्यायालय के मामलों में संवेदनशीलता के लिए माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें विशिष्ट रूप से पारिवारिक विवादों के संवेदनशील समाधान के लिए पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों के कौशल से बढ़ोतरी हेतु लक्षित किया गया है, जो कि एक मजबूत परिवार और परिणाम स्वरूप मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा, जिसमें गोरखपुर जिले के 12 निकटवर्ती जिले अंबेडकर नगर स्थित अकबरपुर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर स्थित पडरौना, महराजगंज, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं सुल्तानपुर के प्रधान न्यायाधीश व अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सम्मिलित हुए। कार्यशाला के उद्घाटन के क्रम में माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर ने कहा कि मध्यस्थता के बिना परिवार न्यायालय की एक संस्था के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती है। लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए मध्यस्थता समय की आवश्यकता है। माननीय न्यायमूर्ति ने मध्यस्थता की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए आगे कहा कि पारिवारिक विवादों में तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए और परिवार न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया का चयन करने के बजाय मध्यस्थता द्वारा अपने मतभेदों का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कहा कि मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसमें दोनों पक्षों को जीत का अनुभव होता है। पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को तटस्थता और गोपनीयता बनाए रखते हुए पक्षकारों की सक्रिय सुनवाई में संलग्न होना चाहिए, जिससे पक्षकार पारिवारिक न्यायालयों में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट विशेषज्ञ मध्यस्थता प्रशिक्षक अनुप, नीरज उपाध्याय, राजलक्ष्मी सिन्हा, संदीप सक्सेना सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने कहा, family courts and additional family court judges arrived here from different districts for the very first time to enhance the negotiation skills of our family court judges in edges of High Court Committee for Sensitization for Family Court Matters. This workshop is being organized for our family court judges on the concept and techniques of mediation. I, on behalf of myself, on behalf of Mrs. Justice Samita Chandra and on behalf of the committee, welcome all of you. A very good morning to you all. As you all know, mediation process is an important part of the family court working. A family court cannot be imagined without mediation. Considering the huge pendency of cases, mediation is the need of the day. It plays a vital role in quick and effective disposal of matrimonial matters. Differences turn into disagreements and disagreements into conflicts, which lead to violence sometimes. Sina would elaborate the benefits of the mediation and would make their every endeavor to familiarize all of you with the concept and various techniques of mediation. I hope this workshop would certainly prove to be fruitful in your day-to-day working in the family courts. Thanks, God. Yes. To the district judge, who has been very kind and very gracious in his hospitality to all of us, and to our master trainers who are here, Mr. Anup Kumar Shivastav, Mr. Sandeep Saxena, Mr. Neeraj Upadhyay, and Mrs. Radhakrishnan. And I am
very much grateful to all of you to spare your weekend for this particular workshop, because it is not actually in the course of duty that you have come. You have come to get your minds open to the fact that mediation is one of the most effective way of alternative dispute redressal that we can adopt, and it is more in the nature of making people understand that both parties win in mediation. It has a very calming effect on distressed tempers. Because take something positive from here, because I am very sure, I am very confident about the abilities of our master trainer. दाम्पत्य मामलों में छोटे-छोटे मामलों को लेकर के जो विच्छेद हो जाता है उस पर सेंसिटाइजेशन संवेदनशीलता के विषय में आज और कल 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या क्या जानकारियाँ दी जाएगी? अब इसमें यही दिया जा रहा है कि जो भी पारिवारिक मामले हैं, दाम्पत्य के मामले हैं, छोटा छोटा विवादों को लेकर के, बातों को लेकर के लोग आपस में मनमुटाव करके विच्छेद कर लेते हैं या मुकदमेबाजी कर लेते हैं, तो उसके विषय में उनको संवेदनशील हों और ऐसा न करें, उसी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इसमें माननीय हाईकोर्ट से लॉर्डशिप आए हुए हैं, 4 मीडिएटर भी आए हुए हैं, अब लोगों को प्रशिक्षण देंगे फैमिली कोर्ट जज को। जनपद में 2 लेयर में पुलिसकर्मी गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम को सुरक्षा दे रहे हैं, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के ईवीएम को रखने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जिसमें पीएसी व उनके प्रवेशण के लिए 1 उपनिरीक्षक को 24 घंटे के लिए लगाया गया है और 2 पुलिस उपाधीक्षक को लगाया गया है, जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे ईवीएम की सुरक्षा की देखरेख मेरे द्वारा की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये नगर निगम के लिए हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जिनको लेकर अलग अलग तीनों स्ट्रांग रूम पे पीएसी लगाई गई है, साथ ही साथ उनके पर्यवेक्षण के लिए 1 उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को 24 आवर लगाया गया है, 2 पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणाधीन है जो इस समय, उनको इनकी सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और ओवरऑल जो सुरक्षा का प्रभार है वो मेरे पास रखा गया है, तो जो डबल लेयर की सुरक्षा यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चुन्नू उर्फ नरसिंह यादव पुत्र मोती यादव निवासी नगपुर थाना महदावल जनपद संत कबीर नगर में के रूप में हुई है, जिसके पास से मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 4 मई की रात्रि में प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर अभियुक्त चुन्नू यादव उर्फ नरसिंह द्वारा पिंटू निषाद निवासी वानटोला जलार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर की मारपीट कर गला दबाकर हत्या करके मृतक का मोबाइल गायब कर दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार साहनी, अतुल तिवारी, कांस्टेबल विवेक कुमार, एकांश सिंह, विपिन कुमार वर्मा, हरिनाथ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि में एक सूचना मिली कि एक लड़के ने एक गुड़िया नामक लड़की के गले में चाकू मार दिया है। इस पर तहरीर लेके और FIR दर्ज किया गया तो जानकारी हुई कि उस लड़की से एक किशन नामक लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि एरोली कुशीनगर का निवासी था। वो वहाँ लड़की के गांव में आया हुआ था, उससे शादी के संबंध में कुछ बातचीत हुई, जिसी में लड़की के मना करने पर उसने उसको चाकू मार दिया और हाथ पे भी एक प्रहार किया। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। दोनों पूर्व परिचित थे और जो अभियुक्त है वो लड़की के मतलब उसके रिलेशन में है, उसके पिता के साड़ू का लड़का है। एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि 3 मई को पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुई थीं और 4 मई को सभी पोलिंग पार्टियां वापस विश्वविद्यालय आई थीं और सब विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर खड़ी थीं, जिसमें 5,000 से अधिक लोग आए थे और खाने पीने में कूड़ा फैल गया, जिसको देखते हुए सुबह 6 बजे NDRF SDRF सहित प्रत्याशियों ने श्रमदान किया और सभी कूड़े को उठाकर नगर निगम की गाड़ियों को दे दिया गया।
संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गोरखपुर में 3 मई को पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय प्रांगण से रवाना हुई थी और 4 मई को सभी पोलिंग पार्टियां वापस विश्वविद्यालय आई थी। बसेज विश्वविद्यालय के प्रांगण में वहाँ मेन ग्राउंड में खड़ी थी। लगभग 5,000 से अधिक लोग, पोलिंग पार्टी, बस, सपोर्ट स्टाफ वहां आया और इन लोगों के द्वारा वहां पर पानी पिया गया या थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया गया। इन लोगों के द्वारा एक जो स्वतः कूड़ा फैल जाता है, जिसमें प्लास्टिक भी था, अन्य प्रकार का भी था, हमारा नैतिक दायित्व था कि हम इसकी सफाई करें, विश्वविद्यालय प्रांगण साफ सुथरा रहे। तो आज अभी सुबह 6 बजे हम लोगों ने, जिसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, माननीय प्रत्याशीगण, अन्य लोग जो वहाँ ग्राउंड में थे, उन्होंने श्रमदान किया और पूरे विश्वविद्यालय के मेन ग्राउंड को, संवाद भवन, वाणिज्य भवन, इंजीनियरिंग संकाय और उधर से होते हुए फिर हम लोग मेन ग्राउंड तक आए और सारा कूड़ा जो बिखरा हुआ था उसको बीन लिया गया, उसको उठा लिया गया और नगर निगम की गाड़ियों को हैंडओवर कर दिया गया। अब विश्वविद्यालय प्रांगण ऑलमोस्ट प्लास्टिक फ्री हो गया।